सरों को झुकाए, उसको धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम उसका धन्यवाद करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा हम पर बनी हुई है। प्रभु, तूने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन तू हमेशा हमारे साथ है। प्रभु, हर पल प्रभु तू हमें यह याद दिलाता है हमारे इस जीवन की दौड़ में कि बेटा बेटी तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। हालेलुया, आपने बीते दिनों में हमें संभाला है प्रभु। चाहे दुनिया में परिस्थितियां खराब हुई है, लेकिन फिर भी प्रभु तूने धर्मी जनों की, जो तुझसे प्यार करते हैं उनकी, जिनकी दृष्टि तुझ पर है उनकी, जिन्होंने तुझे अपना शरण स्थान माना है, उन सब की रक्षा किया है प्रभु। तू अपने डरवैयों की रक्षा करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें अब तक संभाला है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जब हम आपके पास आते हैं, हम हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। आप मुझे और हमारे सबके पापों को क्षमा करो। हमने जानबूझकर या फिर प्रभु जी अनजाने में जो भी पाप और अपराध तेरे विरुद्ध किया है, उन सब के लिए क्षमा मांगते हैं। आप मुझे और हम सबको, जितने भी हमारे साथ सहभागी हैं, क्षमा करो प्रभु। और आज प्रभु हम मिलकर तेरी उपस्थिति का आनंद लें, तुझे भजे, तुझे महिमा दे, जिसके योग्य तू है। सारा आदर मान और महिमा आपको देते हैं। आप हमारे मध्य में हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम उसको महिमा देते हुए भजन 95 पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर और सब देवताओं के ऊपर महाराजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान पर उसी के हाथ में है, और पहाड़ों की चोटियां भी उसी के हाथ में है। समुद्र उसका है और उसी ने हमको बनाया है, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा हुआ है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसकी हाथ की भेड़े हैं। हालेलुया, परमेश्वर सच में भला है और हम उसके भेड़े हैं। आइए हम उस महान राजा परमेश्वर की जय जयकार करें। मिलकर के गाना गाएंगे, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जीत लिया, मृत्यु से पार होकर
का डाला विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु विश्ववासियों के नाम जय पाना ही है वचन का है आह्वान बुलाए चुने हुए हम विश्ववासियों के नाम जय पाना ही है वचन का है आह्वान जब तक सांस रहे करे हम विश्राम जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह प्रभु है राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है हालेलुया हालेलुया हाँ प्रभु तू राजाओं का राजा है तू प्रभुओं का प्रभु है हम तेरी भेड़े हैं प्रभु हम तेरे पास आते हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें सच्चा और जिंदा परमेश्वर मिला है एक सच्ची और नई राह मिली है प्रभु अब हम अंधकार में नहीं हैं पर प्रभु तूने हमें ज्योति की संतान होने के लिए चुन लिया है प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपके पास आते हुए ये कहना चाहते हैं हम आपके योग्य तो नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने हमें चुना है आपकी अपनी निज प्रजा होने के लिए आपके चुने हुए लोग कहलाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस समय में और हम सब यह प्रार्थना करते हैं हमें और अधिक आपके योग्य बनाते जाओ पिता यह हमारी प्रार्थना है प्रभु इस संसार की बातें हमें नाश में ले जाती हैं लेकिन तेरी बातें प्रभु अनंत जीवन देती है प्रभु आप हमें संसार की अभिलाषाओं से छुड़ाइए परमेश्वर पिता मैं संसार की बातों पर जय पाओ और अधिक तेरी ओर बढ़ता जाऊं तेरे जैसा होता जाऊं तेरे जैसा बनूं तेरे जैसा दिखूं यह हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए मार्गदर्शन कीजिए और आप हमें आपकी राहों पर ले चलिए हमारी प्रार्थना है हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया कुछ बातें इस अवसर पर हम बोलना चाहेंगे प्रभु का आत्मा इस बात के लिए अगुवाई दे रहा है जिस राजा की आप और मैं आराधना कर रहे प्यारो 2000 साल पहले ऐसे ही पाम संडे के दिन वो राजा यरूशलेम में प्रवेश किया था लोगों को ऐसा लग रहा था उस समय कि ये वो राजा है जो हमें इस संसार की सल्तनत से इस रोमन सल्तनत से आज़ादी देगा पर प्यारो वो राजा इस संसार का राजा नहीं पर हमारे दिलों का राजा बनकर वो हमारे जीवनों में आने का मार्ग तैयार करने के लिए आया था प्यारो वो जयवंत पाया हुआ हमारा राजा है जयवंत हुआ हमारा मेमना है प्यारो वो राजा हमें हमारे पापों पर जय पाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है यह वो राजा है प्यारो
जो हमें हर हाल में कभी हारने नहीं देता है, क्योंकि हर एक संकट, हर एक समस्या पर जय पाया हुआ वो हमारा राजा है प्यारो। उस राजा की जब हम आराधना कर रहे, प्रार्थना के भाव में हम इस गाने में शामिल होंगे कि पवित्र परमेश्वर तू मुझे पवित्र बना दे, तू मुझे शुद्ध कर दे ताकि मैं तेरे जैसा देखूं। बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं जो इस संसार में है, पर कुछ भी इस संसार की बातों पर जय पाने में हमें मदद नहीं कर सकता सिवाय वो राजा जो जयवंत हुआ है। उसी ने वो सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को जारी किया है हमारे लिए, जिसके बदौलत हम इस संसार की अभिलाषाओं पर, शैतान की ताकत पर और पाप पर हम जय पा सकते हैं। आइए विश्वास से, प्रार्थना के भाव में, आराधना के भाव में इस गाने में हम अपने आप को शामिल करें। से मैं प्यार कर सकूं,
पवित्र आत्मा तू मुझ पर नियंत्रण कर, मैं जहां भी रहूं तेरा हाथ सदा मुझ पर हो, तेरी संगति में मैं हरदम रहूं ताकि मैं तेरे जैसा दिखूं और भी अधिक तेरे जैसा बनता जाऊं। यीशु मसीह के नाम में हमारी यही प्रार्थना है, हमें शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाने हेतु मदद कर। पवित्र आत्मा तुम हमारे मन प्राण आत्मा और शरीर का नियंत्रण ले, ताकि हम शरीर की अभिलाषाओं पर दुनिया की अभिलाषाओं पर नियंत्रण पा सकें और जिस मार्ग पर मुझे और हमें चलना है उस पर हम चल सके। प्रभु तेरे वचन को मैं हमेशा दिल में रख सकूं, दिल में रखूं, मैं तुझसे प्यार कर पाऊं। पवित्र आत्मा तू मेरा नियंत्रक बन जा, मेरी अगुवाई कर, मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि मैं रोज रोज बरोज हर दिन तेरे जैसा बनता जाऊं, तेरे जैसा बनता जाऊं। जब कोई मुझे देखे तो कह सके कि यीशु का बेटा है, यीशु की बेटी है। मुझ में तू दिखे प्रभु, यह मेरी प्रार्थना है, यह मेरी अभिलाषा है। प्रभु आज इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारा नियंत्रक बनकर, मार्गदर्शन बनकर हमारी अगुवाई करो। आपके वचनों से आज हमें फीड करो, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, जहां हम गलत है आपके वचनों के द्वारा आज हमें हमारे मार्ग को सीधा करो। जहां पर काटना है छाटना है काटिए छाटिए, हमारे मार्ग अगर टेढ़े है तो सीधा कीजिए, जहां पर हम गलत है हमें सही करिए, सही राह दिखाइए। आपके वचन के द्वारा आज हमें मार्गदर्शन करिए, यह हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम सब के नियंत्रक बनकर, मार्गदर्शक बनकर अगुवाई करो। वचन के द्वारा प्रभु आप हमारी अगुवाई करो, यह हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना के साथ आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। जो वचन परमेश्वर हमारे बीच में भेजता है उसको हम ग्रहण कर सके, उसको हम समझ सके, उसको स्वीकार सके, हमारी आत्माओं में वो नई ताजगी ला सके। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सुनने वाले सभी लोग आप भी मिलकर इस प्रार्थना में जुड़िए। जीवित परमेश्वर हम
आपकी कलीसिया आज परमेश्वर जब आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु यहाँ पर है, हम आज प्रार्थना करते प्रभु हमारे हृदयों के साथ आपका वचन व्यवहार करें, आपकी बातें जो हमें हमारे आत्मा तक पहुंचती है, आपका वचन जीवित है, समर्थ है, दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते उस छेदने वाले वचन से प्रभु आज आप हमसे व्यवहार करें, हमारे मनों को प्रभु यीशु के लहू में हम कवर करते हैं, हर एक ऐसे विचारों से प्रभु, भटकते हुए विचारों से आप हमें अलग करें प्रभु, तेरे वचन की ओर पूरा ध्यान रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे प्रभु। यीशु का लहू सुनने वाले सभी मित्रों पर, हम सभी पर हम लेते हैं, शैतान की हर युक्तियों को हम यीशु के नाम में निष्फल करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में आमेन। संसार में अगर हम आज के दिन गौर करें तो बहुत ही विपरीत और कठिन समय हम देख पाते हैं। शायद इस साल की शुरुआत हुई होगी 2020 में, हमने कभी सोचा नहीं होगा कि इस समय का सामना हमें इस साल में हमें करने का वक्त आएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि संकट आएंगे, पर ऐसा भारी संकट भी क्या आ सकता है। सारे देश हम देखते हैं कि सब कुछ हिल चुका है, हम देखते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम बिल्कुल खोखला जैसे हो गया है, सभी देशों की आर्थिक परिस्थितियां कमजोर होती जा रही है। और ऐसे समय में जब हम जी रहे हैं, एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ऐसे समय में हमें हमारे साथ क्या व्यवहार करना चाहता है, उसकी ओर हम आज गौर करना चाहेंगे प्यारों। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा है कि जो हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति को जो उसकी ओर देखता है उसको प्रकाशित करता है, क्योंकि उसका वचन उजाला देने वाला वचन है, प्रकाशित करने वाला वचन है। इन सब घटनाओं को देखते हुए जब मैं पिछले काफी समय से प्रकाशित वाक्य का जब अभ्यास कर रहा था, यही बात बार बार ध्यान में आ रही थी कि हम कलीसिया अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं प्यारों, और उस अंतिम दिनों के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बाइबल में अपने वचनों में बिल्कुल स्पष्ट करके रखा है। आज कलीसिया होने के नाते प्रभु हमारे पास क्या अपेक्षा रखता है, आइए प्रकाशित वाक्य की ओर हम दृष्टि करें। यहां पर जब हम देखते प्रकाशित वाक्य में शुरुआत का अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, जब हम ये दूसरे और तीसरे अध्याय में देखते हैं तो यहां पर कलीसिया के लिए संदेश दिया गया है, कलीसिया के लिए संदेश। पूरा प्रकाशित वाक्य हम देखने जाए तो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से हम देखते कि सात कलीसिया के बारे में है, परमेश्वर के सात आत्मा की बातें है यहाँ पर, सात तुरहियों के बारे में है, सात मुद्राओं के बारे में है। हम देखें तो कितनी सारी बातें, सात सात सात, मानो कि ये एक पूर्णता का अंक है, नहीं, सात एक पूर्णता का अंक हम समझते हैं बाइबल में। और प्रभु ये अंतिम दिनों में क्या इन बातों को हमारे पास लाकर क्या बात करना चाहते हैं, हम इन बातों को थोड़ा गौर करेंगे। अगर दूसरे अध्याय में हम देखें तो सात कलीसियाओं का वर्णन किया गया है, यहाँ पर हम उन कलीसियाओं का अगर देखें ब्यौरा तो एक एफिसोस की कलीसिया है, स्मुरना की कलीसिया है, पेरगमुन की कलीसिया है, थुआतीरा की कलीसिया है, सर्दिस की कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, और अंतिम कलीसिया लाओदिकिया की कलीसिया है। इन सातों कलीसियाओं को परमेश्वर पत्र लिख रहे हैं, नहीं, परमेश्वर कुछ बातें वहां पर जारी कर रहे हैं, और ये बातें परमेश्वर यूहन्ना अपने दास
अपना चेले योहन्ना को पत्मस नामक टापू पर ये बातें बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्वर्गीय दर्शन परमेश्वर वहां उसको दिखा रहे हैं। और यहाँ पहला अध्याय और नौवीं आयत में लिखा है कि मैं योहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मस नामक टापू में था। कहां पर? पत्मस नामक टापू में। वहां पर लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात जो नाम अभी हमने बोले, एफेसोस, स्मरना, पेरगमन, थुआतीरा, सर्देस, फिलाडेल्फिया और लौदिकिया को, इन सातों कलीसिया को बोल दे, इनको लिखकर भेज दे। प्यारो, ये सातों कलीसिया क्या बताती है पता है? ये सातों कलीसिया विश्वासियों की बात है। नहीं, परमेश्वर अंतिम समय में क्या देख रहा है, कलीसिया में क्या देख रहा है? प्रभु की नजरें हर एक कलीसिया के ऊपर है, छाई हुई है। एक एक कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की नजरें छाई हुई है। और इसीलिए ये अंतिम समय में परमेश्वर योहन्ना को बता रहा है कि ये बातें तू उनको लिखकर भेज, जो जो दिख रहा है और जो जो होने वाला है। यहां पर परमेश्वर, जब हम इन सातों कलीसियाओं को जो पत्र लिखे गए हैं, अगर उस पत्रों का अभ्यास करते तो हम देख पाते कि परमेश्वर ने अपना हृदय खोला है वहां कलीसिया के लिए। हम देख पाते कि परमेश्वर किस प्रकार अपने दिल को खोलकर बात कर रहा है। एक किस्म का ढांचा इन सातों कलीसिया को लिखे हुए पत्र में हम देख पाते। सभी कलीसिया को अगर आप बारीकी से देखोगे तो एक किस्म का ढांचा, एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कहीं पर एक स्टार्टिंग है, बीच में मिडल पार्ट है और एंडिंग पार्ट है। हम देख पाते हैं कि सीधा प्रभु यहां पर लिखता है कि कलीसिया के दूत को लिख, ये कलीसिया के दूत को लिख। अंतिम में, अंतिम पद में कुछ वर्णन, मतलब कॉमन कुछ बातें बार बार आती है। एक किस्म का ढांचा यहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु कहीं कुछ नसीहत देता है, कोई सलाह देता है, कोई कलीसिया की कमजोरी यहां जाहिर करता है। ज्यादातर एक को छोड़कर सभी कलीसिया को परमेश्वर ताड़ना यहां पर दे रहा है। मेरे ख्याल से दो को छोड़कर, स्मरना को भी नहीं और फिलाडेल्फिया, इन दोनों को छोड़कर सभी कलीसिया को प्रभु ताड़ना देता है, ठपको दे से हम कह सके। उनकी कमजोरियों को परमेश्वर जाहिर कर रहे हैं। उनकी जो बातें उनके जीवन में प्रभु देखना चाहते हैं वो बातें प्रभु यहां दिल खोलकर बोल रहे हैं, और जो बातें प्रभु देखना नहीं पसंद करता है वो भी वहां पर, उसका सुधार कैसे लाया जाए वो बातें भी बता रहे हैं। तो प्यारो, ये अंतिम समय है। इन कलीसिया में जो ये मुख्य मुख्य बातें, उसको उसकी ओर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। नहीं कि कुछ बातें कॉमन है, उसमें एक बात है कि प्रतिफल भी है। देखो कि अगर तू ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा, अगर तू ये करेगा तो तेरे लिए ये प्रतिफल है। और आखिर में हम देख पाते हैं कि वहां ऐसा भी लिखा है कि जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई आवाज इंपॉर्टेंट है तो वो है पवित्र आत्मा की आवाज। बोलिए, पवित्र आत्मा की आवाज। और पवित्र आत्मा ही प्यारो सही दिशा में, लिखा है बाइबल में लिखा है कि वो सहायक है। वो हमें इन दिनों में सहाय करना चाहता है, वो ऐसे समयों में हमारा बल बनना चाहता है, वो ऐसे समयों में हमें परमेश्वर की बातें के द्वारा हमें उत्तेजित करना चाहता है, हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए कलीसिया के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इन दिनों में तो वो है पवित्र आत्मा की आवाज। क्या आपने कभी अपनी प्रार्थना में जब आप बैठते हो, आपने कभी ये सोचा कि प्रभु तू ऐसे समय में मुझसे क्या बात करना चाहता है? क्या आप पूछते हो परमेश्वर को कि प्रभु तू मुझसे व्यवहार कर? जरूर कीजिए प्यारो, प्रभु आपसे अपने वचन को छिपा नहीं रखेगा क्योंकि अंतिम समय है और प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। प्यारो, यहां हम देख पाते कि प्रभु कलीसिया के
भले कामों की प्रशंसा भी कर रहे। देखो, अगर आप देखोगे तो इफिसुस में, स्मुरना में, पेरगमन में जो भली भली बातें थी, प्रभु ऐसा नहीं कि बस डंडा लेके खड़ा है और मार रहा है सबको। प्रभु यहां पर जो अच्छा किया उसकी प्रशंसा भी करता है प्यारा। वो हर बात में ताड़ना ही देता ऐसा नहीं है, पर वो प्रशंसा भी कर, उससे कोई भली बात छुपी हुई नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में ऐसा वक्त क्यों आया है, पर परमेश्वर प्यारो इन दिनों में प्रभु अपने लोगों को तैयार कर रहा है। इस संसार को प्रभु दिखा रहा है कि ये मेरे लोग हैं, ये मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मेरा बल पाने, मेरा बल को पाकर इस संसार में विजयी होने वाले लोग हैं ये। एक मूल बात यहां पर कलीसियाओं के लिए लिखी है, एकदम कॉमन बात है, सभी कलीसियाओं में यह बात आती है, और वो है जय पाना है। क्या लिखा है? जय पाना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे, उसकी कलीसिया ऐसे समयों में हारी हुई कलीसिया कहलाए। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि संसार के संकटों में कलीसिया हार जाए, कोने में दबक कर बैठ जाए। वो कभी नहीं चाहेगा। वो चाहता है प्यारों कि हम बल पाए। परमेश्वर के बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए ऐसा लिखा है कि वे बल पाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और भी सामर्थी होते जाएंगे। देखिए कुछ बातों की और गौर। मान लो इफिसुस को जो संदेश परमेश्वर ने लिखा, आप दूसरा अध्याय निकालें, यहां पर क्या लिखा है देखो। परमेश्वर यहां उनके काम के लिए भी बोल रहा है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। अच्छी बात है, उसकी जो उसके अच्छे गुण है वो भी प्रभु आगे रखता है। लिखा है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, इतना अच्छा तो है ही, बहुत कुछ किया है, पर कुछ है अभी भी जो मुझे दर्द देता है, जो मेरे दिल को चुभाता है। ऐसी बातें मैं तुझ में देख रहा हूं। क्या लिखा है? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान सोचिए, आप विश्वासी होने के नाते आप जरा अपने भूतकाल की ओर दृष्टि करें। कैसा प्यार परमेश्वर के साथ था आपका, आपका प्रार्थनामय जीवन, आपका वचन का मनन करने का जीवन, आपका बाइबल अभ्यास करने का जीवन, आपको सुसमाचार देने की जो तड़प थी, दूसरों की भलाई करने की बातें जो थी। नहीं, लिखा है कि तूने पहले के समान प्रेम तू भूल गया, गिर गया। लिखा है कि यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। लिखा है आखिर में सातवीं आयत में, अंत भाग में, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से। नहीं, जो जय पाए, यहां पर लिखा है जय पाए। कुछ कमजोरियां भी है, कुछ अच्छाइयां भी है, पर जय पाना है। किन बातों पर? तो यहां पर जो कमजोरियां दिखाए उस पर जय पाने की बात है। दूसरी स्मरना की कलीसिया के लिए लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है नौवीं आयत में लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभाएं, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। प्यारो, यहां भी उसकी अच्छाई जो है प्रभु जानता है। लिखा है यहां पर जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। प्रभु यीशु को अपना लिया है, हमें लगता है कोई दुख नहीं, बस सब गार्डन, पर परमेश्वर के पीछे चलना प्यारो, क्रूस को लेकर चलने की बात है। जो इस संसार के सारे संकटों पर जय पाया है वो अपना गुरु है, वो हमारा गुरु है, और चेला कभी गुरु से बढ़कर नहीं होता है। अगर उसने झेला है तो इस संसार में हमें भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, पर इतनी हिम्मत हमें रखनी है और इतना विश्वास हमें रखना है कि उसने जय पाई है, इसलिए हम भी जय पाएंगे, क्योंकि उसका बीज हमारे अंदर है
और लिखा है कि उसका बीज हमारे अंदर बना रहता है। हालेलुया, एक विजय पाने की क्षमता हमारे अंदर है, मौजूद है। हमें ऐसे समय में दब कर बैठे रहने की जरूरत नहीं है, पर प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचनों से उसका बल पाने की जरूरत है। अगर कहीं भी कोई करेक्शन के लिए, सुधार के लिए प्रभु ताड़ना करता है, जैसे फिसोस को प्रभु ने बोला, हमें भी प्रभु कुछ बता रहा है, तो आप लिख लीजिए अपने अपने बाइबल में पीछे जहां भी कि प्रभु ने ऐसे समय में उनसे यह व्यवहार किया। परखे जाओ, हमारी परख होनी भी तो चाहिए ना, हमारी परख होनी भी बहुत जरूरी है। लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आखिर में लिखा है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए, पहले भी था जय पाए, जय पाना है प्यारो। पेरगमुन कलीसिया की को जो पत्र लिखा है उसमें भी यही बातें लिखी है कि मैं यह जानता हूं, 13वीं आयत, कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। लिखा है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। देखो, इसकी अच्छाई को प्रभु तारीफ करता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी। लिखा है कि तू मुझ पर विश्वास करने में ऐसे दिनों में, उन दिनों में जब तुझ पर भारी दबाव आन पड़ा था, सताव आ गया, तो तू पीछे नहीं किया। लिखा है कि 14वीं आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी, कुछ कहना है। सुन रहे कलीसिया, कुछ कहना चाहता है परमेश्वर ऐसे समय में। और यहां पर इनकी जो कमजोरी थी, इनके अंदर जो गलतियां हो रही थी, नहीं, उसको प्रभु सुधारने के लिए कुछ बातें यहां पर प्रभु उनको अगुवाई दे रहे हैं कि तेरे यहां कुछ ऐसे जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, गलत शिक्षा, रॉन्ग टीचिंग्स, गलत डॉक्ट्रिन्स। इन दिनों में बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता और ऐसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो आपको भरमा देंगे। ऐसे लिखा है कि विश्वास करने वाले लोग भी भटक जाएंगे, पर वो भटकेंगे, वो शैतान का शिकार होंगे, जो अपने आप को शैतान का निवाला बनने के लिए अपने आप को सामने रखेंगे। हाँ, मुझे आज बाइबल नहीं पढ़ना है, मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे क्वाइट टाइम नहीं करना है, मुझे प्रभु के चरणों में नहीं जाना है, प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे भलाई के काम नहीं करने, मुझे किसी को गवाही नहीं देनी है, मुझे यीशु के बारे में क्या चर्चा करूं, ऐसे में बैठे रहो ना, क्या होता है। पर प्रभु चाहता है नहीं यहाँ कि हम जय पाए। हालेलुया। लिखा है आत्मा कलीसिया 17वीं आयत में क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। ये कुछ ऐसी रहस्यमय बातें हैं प्यारों, जिसके बारे में अभ्यास कुछ अलग मांग लेता है, अलग समय मांग लेता है, पर प्रभु कुछ ना कुछ प्रतिफल रखा है। आपकी प्रभु में आगे बढ़ने की मेहनत, आप जो कष्ट झेलते झेलते, दुखों का सामना करते करते यीशु को थामे रहे हो, प्रभु ये भूला नहीं है, प्रभु सब कुछ देख रहा है। आपकी संकट में से गुजरते गुजरते नौकरी करते हो, कैसे कैसे अपने फर्ज को निभाते हो, प्रभु सब कुछ देख रहा है प्यारों, और जरूर आपको प्रतिफल देगा। थुआतीरा की कलीसिया के लिए लिखा है कि मैं तेरे काम, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। यह कलीसिया तो बढ़ती हुई कलीसिया है, एकदम लाइव दिख रहा है, पहले से भी ज्यादा काम बढ़ रहा है, इसमें लग रहा है जबरदस्त कलीसिया है कि भाई इसमें प्रेम है, विश्वास है, सेवा है, धीरज है, सब कुछ है। और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से, पहले जो काम हो रहा था उससे भी ज्यादा और अच्छा काम अभी हो रहा है, ऐसा यहां पर इस कलीसिया के बारे में प्रभु कहता है। पर मुझे, यहां लिखा है आखिर में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर कुछ कहना है। कई बार हम हमारी अच्छाइयों को देखने के चक्कर में जो कुछ भी कमजोरियां होती है ना, उसकी ओर नजर नहीं कर पाते। ओहो, इतनी सारी अच्छाइयां हैं मेरे परिवार में, मेरे में, मैं प्रभु का विश्वासी बेटा, मुझ में इतनी अच्छाइयां, देखो कितने सारे लोग तारीफ करते हैं मेरी कलीसिया की, मैं जहां जाता हूं वहां पर मेरे दोस्तों की, देखो अच्छा अच्छा, सब अच्छा अच्छा है। इन अच्छाइयों में कई बार हम ऐसे खो जाते हैं कि जो कमजोरियां होती है ना, वो पीछे रह जाती है। पर परमेश्वर प्यारो शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, पवित्रता में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, और इन दिनों में अंतिम समय परमेश्वर चाहता है कि जब वो लेने आने वाला है, उसकी कलीसिया जुर्री रहित और कलंक रहित, दाग रहित हो।
दाग और धब्बा ना हो, ऐसी कलीसिया प्रभु चाहते, एक एक धब्बा प्रभु मिटाने में कार्यरत है प्यारो। प्रभु भी अपने कलीसिया के लिए अपना काम जारी रखे हुए हैं प्यारो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु कहता है इस कलीसिया को, यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। बड़े क्लेश में, कलीसिया को प्रभु यह बोल रहा है कि बड़े क्लेश, कौन सा बड़ा क्लेश? जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने इस संसार में आएगा और कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, उसके बाद महाक्लेश शुरू होने वाला है, बड़ा क्लेश। प्रभु कहता है कि वो लेफ्ट बिहाइंड, वो रह जाएंगे ऐसे लोग, सुन रही है कलीसिया, ऐसे लोग रह जाएंगे। किस में हम पड़े हैं? क्या हम दान देकर अच्छे काम कर संतुष्टि माना रहे? प्यारो ये दिन है कि हम और भी प्रभु की नजरों में भले बनते जाए। जो गाना हमने अभी गाया, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, प्रभु से कहे प्रभु तू और भी मुझे पवित्र बना, ताकि तेरे जैसा मैं दिखूं। मैं जैसा दिखना चाहता हूं, मुझे जो अच्छा रूप चाहिए वैसा नहीं, पर तू जैसा रूप देना चाहता है वैसा बनना चाहता हूं। पर उसके लिए प्रभु जो भी करेक्शन लाए, सुधार लाए, हमें सुधार लाना है प्यारो। 26वीं आयत में यहां पर लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया। यहां लिखा है जो जय पाए और अंत तक, कौन से अंत तक? उसके जीवन के अंत तक वो करता रहे। या तो हमारा मृत्यु या तो कलीसिया का रैप्चर, ये दोनों पल कभी भी आ सकते हैं। लिखा है कि इन दोनों तक अगर मैं प्रभु में विश्वास योग्य बनकर आगे बढ़ता रहूंगा, नहीं प्रभु, और प्रभु चाहता भी है कि हम इस संसार में रह ना जाए, प्रभु चाहता है कि हम ले लिए जाए उसके साथ में। हालेलुया। ये समय बहुत जल्द आने वाला है प्यारो कि कलीसिया को उठाने के लिए, बाइबल में इसके लिए रैप्चर लिखा है कि वो गगन गमन जिसको बोलते हैं प्रभु, वो घटना बहुत जल्द होने वाली है प्यारो। जिस तरीके से चारों तरफ विश्व में घटनाएं आकार ले रही है, एक के बाद एक, अकाल, भूकंप, महामारियां, महारोग, ऐसे समय में प्रभु का आना, लिखा है कि चोर की नाई वो दिन आ जाएगा। जब चोर आता है ना तो कहकर नहीं आता है। कई बार लोगों में ये उलझन रहती है, बहुत सारे विश्वासियों में, कि भाई कलीसिया महाक्लेश काल में यहां रहने वाली है। कोई बोलता है ऐसा है, कोई बोलता है कि भाई नहीं, ले लेने वाली है। पर हकीकत में वचन ये बात वर्णन करता है, प्रभु के आगमन के बारे में बहुत अलग अलग घटनाएं बताई है। एक जगह लिखा है कि चोर की नाएं आएंगे, और एक जगह लिखा है कि वो आएंगे तो सब लोग देखेंगे, सबको पता चलेगा। तो ये गुप्त आगमन है, रैप्चर एक गुप्त आगमन है, और उसके बाद में महाक्लेश काल की शुरुआत होने वाली है। मतलब कि ये बात पहले होने वाली है, बाद में प्रभु लिखा है कि अपने प्रिय लोगों को उठा लेगा। यीशु में आप और मैं प्रिय है प्यारो। हालेलुया। आगे सार्दिस की कलीसिया में भी यही बात, यही ढांचा हम देखने को पाते कि प्रभु भलाई भी, उनकी अच्छाई को भी देखता है। यहाँ पर सर्दिस के लिए कुछ ताड़ना यहाँ पर लिखी है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। 3 अध्याय, जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यह एक कलीसिया ऐसी है कि जो प्रभु की बहुत कड़ी ताड़ना को झेल रही है। यहां पर लिखा है कि भाई तू जिंदा तो है पर है मरा हुआ, जीवित कहलाता है लोगों में, तो तेरी तू एक लिविंग लाइव चर्च है। ओहो, पर लिखा है तू मरा हुआ है, जागृत हो और जो बाकी रह गए उसकी ओर दृष्टि कर, स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे,
और मन फिरा। प्यारो ये बहुत जरूरी है कलीसिया के लिए, जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है, शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा में उसको बने रहना है। यह इसका एक सबसे बड़ा फर्ज यहां पर कलीसिया के लिए लिखा है कि उसमें बना रहे जो कुछ तूने सुना था और मन फिरा, क्योंकि तू नाम का जी रहा है। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। लिखा है पांचवी आयत में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाए। जो जय पाए वापिस जय पाए, जय पाना है प्यारो। इनकी भी यह कमजोरी है, दिखता है अच्छा पर मरा हुआ है। वापिस प्रभु चाहता है कि इस डेडनेस पर, इस मरी पर भी ये जय पाए ये कलीसिया। प्यारो कितने लोग हैं ऐसे, कितने विश्वासी हैं हमारे आसपास जो मर रहे हैं प्यारो, उनको ऐसे दिनों में आप बढ़ावा दीजिए प्यारो। अगर आपसे बन पड़ता है उनको फोन, अब आप उसकी मुलाकात नहीं ले सकते, आप फोन करिए। घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, उनसे बातचीत करिए, उनको आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दीजिए। देखिए आपकी बातों से पता नहीं कौन कहां पर क्या आग में पकड़ लिया, नहीं पवित्र आत्मा की आग में वापस जुड़ जाए वो। इसलिए अपनी बातों को जारी रखे प्यारो। फिलाडेल्फिया की कलीसिया यहां पर उसके बारे में लिखा है। ये कलीसिया प्यारो एक ऐसी कलीसिया है कि जिसके लिए प्रभु को कोई फरियाद ही नहीं है। ये कलीसिया को जब प्रभु देखता है तो कोई फरियाद नहीं निकलती, उसकी अच्छी बातें ही प्रभु बोल रहे हैं और उल्टा उसको और भी दृढ़ बने रहने के लिए प्रभु कि भाई तू कंटिन्यू रहे ये बातों में, चलता रहे। देखो क्या लिखा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तू बाइबल में एक सिद्धांत है प्यारो, जो थोड़े में विश्वास योग्य ठहरेगा उसको ज्यादा पर ठहराया जाएगा। मतलब ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है कि उसको जो काम प्रभु ने सौंपा है, जो कुछ भी वो सीखा है, उसको थामे रहा है। और इसके मतलब क्या, वो एक नया द्वार और खुल गया है इस कलीसिया के लिए। मतलब द्वार खोलने का काम किसका है, परमेश्वर का है, है ना। हमारी मेहनत से हम द्वार नहीं खोल देते हैं, पर परमेश्वर का है, इसको परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है। देखो लिखा है, तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का, दिखता है कि भाई थोड़ी सी सामर्थ, मतलब अवेलेबल तू है, तू अवेलेबल है, इसलिए लिखा है तूने मेरे वचन का पालन भी किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। लिखा है दसवीं आयत में, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ओ सुन रहे है कलीसिया, लिखा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए देखिए, जब हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, कुछ बातें जो सीखे उसको थामे रहते हैं, प्रभु भी तत्पर रहता है कुछ हमारे प्रति कुछ करने के लिए। देखो क्या लिखा है, इसलिए मैं भी, तूने ये किया इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा है, कीप फ्रॉम, आई विल कीप यू फ्रॉम, मतलब जो भारी महाक्लेश काल रैप्चर के बाद शुरू होने वाला है, उस महाविपत्ति काल को तुझे देखने नहीं दूंगा मैं, तुझे उसमें नहीं पढ़ने दूंगा, तुझे उठा लूंगा मैं। हालेलुया, क्यों, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है। हालेलुया, और वो क्या है पता है, वो ट्रिब्यूलेशन पीरियड, महाविपत्ति का जो क्लेश काल है, वो क्या है, इस संसार के अन्य विश्वासी लोग जिन्होंने यीशु को ठुकरा दिया, यीशु के लोगों को परेशान कर डाला, उनका लहू बहाया, कोप, परमेश्वर का कोप, हम बोलते हैं कई बार कि ये देश पर प्रभु का कोप है, इस पर कोप है, इस परिवार पर कोप है, पर कोप तो प्यारो यीशु के ऊपर पाप का कोप तो ले लिया था, पाप के कारण जो क्रोध था, जो कोप था, यीशु पर आ गया था, पर वो जो कोप है, जो क्रोध है, परमेश्वर इस महाविपत्ति काल में, मतलब बदले की बात यहां पर प्रभु जाहिर कर रहे हैं, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, इन संसार पर आने वाला है प्यारो। अगर कोई
यीशु को अपनाएगा ऐसे समय में प्रभु उसको बचा लेगा, यीशु की शरण में आएगा। कैसे आएगा? हम तो अपने घरों में हैं। कुछ हमें करना है प्यारो कि सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। प्यारो ये महामारी महारोग जो छाया हुआ है, लॉकडाउन में है सब लोग, कल को सब अच्छा हो जाएगा, लॉकडाउन हट जाएगा, वापिस हम अपने अपने कामों पर। पर प्यारो इन बातों को हमें याद रखना है कि मुझे जय पाना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्या लिखा है इस कलीसिया के लिए? मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा प्रतिफल है, कलीसिया के लिए एक प्रतिफल है, विश्वासियों के लिए एक प्रतिफल है। लिखा है कि मुकुट छीन न ले। आपको याद हो तो दाऊद, शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, पर वो राजा का पद किसको मिल गया आखिर में? ट्रांसफर करना पड़ा परमेश्वर को। उसने गवा दिया शाऊल ने, कैसे? अपनी मनमानी पर चलकर। किसको मिल गया? तो भाई दाऊद को। जो मुकुट है प्यारो हमारा प्रतिफल है, हमें गंवाना नहीं है प्यारो। देखिए उद्धार मुक्ति यीशु पर विश्वास करके, उसको अपना प्रभु मानकर, उसको अंगीकार करते हम फ्री में उद्धार पा सकते हैं। पर हमारा प्रतिफल, हमारा रिवॉर्ड हम मुफ्त में नहीं पा सकते हैं प्यारो। वो हमारी मेहनत और हमारे विश्वास के कामों के आधार पर तय किया जाएगा। मैंने विश्वास कर लिया, मैं अब उद्धार पाया हूं, मैं बच गया हूं, तो नेक्स्ट क्या है? इसके बाद क्या है? हमें तो उत्पन्न किया, बाइबल में लिखा है कि हम तो उसकी कृति है। और कृति है तो भाई पड़े रहने के लिए नहीं है, कृति है तो अच्छे काम, भलाई के काम करने के लिए। एफिसियों में ऐसा लिखा है, प्रभु यह चाहता है कि उन भलाई के कामों में हम सर गर्म रहे, हम लगे रहे। जो कुछ भी हमने सीखा है, समझा है, हम उसको थामे रहे। क्या क्या पाया है प्यारो आपने प्रभु में? क्या पाया है? हमें हमारी विश्वास योग्यता, हमारी आज्ञाकारिता, हमारे विश्वास, हमारा आत्मिक भरोसा, हमारा डेडिकेशन, हमारा कमिटमेंट, बहुत कुछ है। लिखा है कि उसको थामे रहो, पकड़े रहो तुम्हारा मुकुट, कोई और ना ले जाए। आगे लिखा है कि उनके लिए कुछ स्थान है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। एक स्थान भी है, देखिए प्रतिफल भी है, एक पद है, एक स्थान भी है जो प्रभु विश्वासी को देना चाहता है। हालेलुया। सिर्फ संकट संकट ही नहीं है प्यारो, बहुत कुछ है जो हमें संसार में तो पाना ही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जय पाना है। हालेलुया। इसके बाद की जो कलीसिया है, लाओदिकिया की कलीसिया, उसमें भी यही बात है। ये कलीसिया के लिए भी प्रभु के पास फरियाद है कि भाई भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, क्योंकि तू ना तो ठंडा है ना गर्म, तेरे कामों को मैं जानता हूं, तेरे कामों से मुझे पता चल जाता है कि तू ठंडा है भी नहीं और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ओ कितनी भारी ताड़ना इस कलीसिया के लिए है। क्या प्रभु कहीं ना कहीं हम विश्वासी यहां पर तो फिट नहीं होते? देखिए कोई ना कोई कलीसिया, जो सातों कलीसिया में से कहीं ना कहीं हर एक विश्वासी फिट बैठता है, एक फ्रेम में आ जाएगा। आप कौन सी फ्रेम में फिट हो रहे हो? अपने आप को देखिए, हम कहां पर है। अगर आपके पास समय मिले तो इन सातों पत्रों को बारीकी से आप पढ़ना, बाद के समय में जब आप फ्री हो पढ़ना प्यारो। सच में पवित्र आत्मा बहुत गहरी बातों को आपके आगे प्रकट करेगा प्यारो। मूल बात पर हम आना चाहते हैं कि हमें जय पाना है प्यारो। किन किन बातों पर जय पाना है? अगर हम इन कलीसियाओं की बातों पर से हम नजर करें तो कमजोरियों पर, अधूरेपन पर, अनाज्ञाकारिता ऊपर, भय के ऊपर, मनुष्य के जो स्वभाव है, पापी स्वभाव है उसके ऊपर, पाप के ऊपर, संसार के ऊपर हमें जय पाना है। और सबसे बड़ी जय हमें पानी है अपने आप के ऊपर।
बोलिए अपने आप पर। नीति वचन 16 और 32 मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। नीति वचन 16:32 क्या लिखा है यहां पर? विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अपने मन को वश में रखना, बोलिए अपने मन को वश में रखना। नहीं, ये जय पाना है। कितने लोग अपने मन को वश में नहीं रख पाते हैं, गुस्सा क्रोध पर जय नहीं पा रहे, संसार की बातों पर जय नहीं पा रहे। प्यारो ये समय है प्यारो कि हम जय पाने के लिए इस समय में अपने आप को तैयार करें। पर किन बातों पर जय पाना है, गौर करें इन कलीसिया को लिखे हुए पत्रों पर। कौन सी कमजोरियां प्रभु मुझ में देख रहा है, कौन सी कमजोरियां प्रभु मेरे अंदर अभी भी है जो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है कि हमारा मुकुट बना रहे जो हमें मिलने वाला है, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड है प्यारो कि हम हमारे कामों के द्वारा प्रतिफल पाएंगे या नहीं पाएंगे। या तो शाऊल के समान अपनी मर्जी से जिएंगे और फिर जब लोगों को प्रतिफल मिलेगा हम देखते रहेंगे शर्मिंदा होकर। प्यारो ऐसा भारी संकट है कि रोना बिलखना भी कम हो जाएगा, आपको आंसू नहीं रहेंगे रोने के लिए, ऐसा महाविपत्ति काल है। यहां पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु ने साफ लिखा है कि मैं तुझे आने वाले उस परीक्षा के समय से बचा कर रखूंगा। परखने के लिए जो संसार पर आए उस समय मैं बचा रखूंगा, ऐसा नहीं लिखा, पर उस समय इंग्लिश में लिखे कीप फ्रॉम, मतलब उससे मैं बचा के रखूंगा, उससे मैं अलग रखूंगा तुझे। पर हमें इसके लिए जरूरी है कि जो हमने सीखा है, जो पाया है परमेश्वर की ओर से, उसको थामे रहे, उसको पकड़े रहे। बस खाली विश्वास कर बैठे रहने की बात नहीं है प्यारो, परमेश्वर की योजना को समझकर उसको पूरा करने की बात है प्यारो। इन दिनों में आखिरी बात बोलकर हम पूरा करेंगे। जो महामारी फैली हुई है प्यारो, हर कहीं बाइबल में लिखा है कि उस लोगों पर भय छा जाएगा, बहुत भारी भय में काफी विश्वासी लोग आ गए। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बचेंगे भाई, इतना प्रिकॉशन। बहुत सारे लोग, कल ही मैं एक हॉलीवुड स्टार की आप बीती सुन रहा था, उसके अंदर सिम्टम्स ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके अंदर ये महामारी के लक्षण पॉजिटिव दिखे गए। सॉरी, ब्लड उसका टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकला। अब सोचो प्यारो, बड़े बड़े धनी लोगों के पास सब कुछ है, सैनिटाइजेशन सब कुछ, रूम ने सब क्या बोलते हैं, आज तो एयर प्योरीफायर भी आ गया है, कितना अपने आप को बचा सकते हैं। पर फिर भी वो शिकार हो रहे हैं। परमेश्वर ने ऐसी महामारी के लिए कुछ बातें लिखी है, मैं इसलिए ये पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 91:91 आप निकाल कर अपने सामने रखें, भजन संहिता 91 चैप्टर 91। बहुत अद्भुत बातें हमें यहाँ पर मिलती है। अगर हमें जय पाना है तो हमारे बल से, शायद हमारे सैनिटाइजेशन से, हाँ ये सब जरूरी है, इसको करना है, सावधानी बरतना ही है, अंधा बनकर हमें गिरना नहीं और प्रभु की कसौटी नहीं करनी है। नहीं, परीक्षा नहीं, अरे मैं तो विश्वास करता हूं अब प्रभु मुझे बचा लेगा नहीं, ये सब कहां से आया? ये तो बिल्कुल लापरवाही है, लापरवाह लोग प्रभु पसंद नहीं करता है प्यारो। एक विश्वासी होने के नाते आप एक समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला है कि कबूतर की नाई कैसे हो और सांप की नाई कैसे हो, होशियार चालाक और चपल हो। परिस्थिति को देख कर हमें डिसीजन, हमारा फैसला करना आना चाहिए हमें कि ऐसे समय मुझे कैसे रहना है। हम तो आंखें बंद करके जी रहे हैं और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? कलीसिया को, प्रभु के काम को, परिवार को, बच्चों को, आपके साथ जुड़े हुए उन लोगों को। प्यारो विश्वास हमारी ढाल है, पर कौन सा विश्वास? हाँ, यीशु पर विश्वास। यीशु की बातें कहाँ है? यीशु की बातें यहां है। खाली समय बहुत सारा मिला है, पर पता नहीं कितने लोग प्रभु के वचनों को ले रहे, ग्रहण कर रहे, अपने अंदर वचनों को भर रहे। पता है क्या लिखा है बाइबल में? फिलिपी 3
फिलिपियों की पत्री में यह बात लिखी है कि वचन को क्या करना है, अधिकाई से अपने में बसने दो। सॉरी, कोलोसियों की पत्री में लिखा है कि तीसरा अध्याय और 16वीं आयत, वचन को अधिकाई से बसने दो। कोलोसियों की पत्री 3:16 में यह लिखा है। और यहां पर वही वचन के लिए साम 91:4 आयत में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और लिखा है, उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झीलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई, कौन सी सच्चाई? सच्चाई क्या है, उसका ट्रूथ क्या है? सत्य वचन की बात प्रभु कर रहे कि वचन तेरा ढाल होगा और वचन क्या होगा, तेरा झीलम होगा, बख्तर होगा, प्रोटेक्टिंग कवच। प्रभु किसको ला रहा है? अपने वचन को। हालेलुया। कितना वचन में, वचन को आप ले रहे हो? कितने वचन से अपने आप को भर रहे हो? देखिए, ये अध्याय को हम थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा 5 मिनट लेकर। यहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। लिखा है बैठा रहे, एक बार बैठ के उठ जाए वो नहीं, बैठा रहे मतलब कंटिन्यूअस, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के वचनों को गौर करने वाला व्यक्ति, हर परिस्थिति में उसके वचनों को याद कर परिस्थितियों के साथ तुलना करने वाला व्यक्ति। यहां लिखा है कि मैं वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब देखो कितनी भारी मुसीबतों के वर्णन यहां पर किया है। देखो क्या क्या मुसीबतें यहां पर, बहेलिये का जाल पहली बात 3 कलम में, दूसरा है महामारी, फिर चौथी 5वीं आयत में तो रात के भय, रात का भय, रात को भी सो नहीं पाते कुछ लोग, चौथी है दिन में उड़ने वाला तीर, छठी है मरी से, महामारी की बात है, पांचवी छठी है महारोग से, फिर दुष्टों की बात भी यहां पर लिखी है 8वीं आयत में, दुष्टों की बात, 1000 गिरेंगे एक साथ एक दूसरी साइड, 10,000 गिरेंगे महारोग की वजह से, एक साइड 1000 दूसरी साइड 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे पास न आएगा। उस महारोग की बात यहां पर भी लिखी है 10वीं आयत में, लिखे कोई विपत्ति तुझ पर न आ पड़ेगी, न कोई दुख, जहां कहीं भी तू जाए हर एक स्टेज पर, हर एक स्टेप पर प्रभु सुरक्षा करेगा। लिखा है आगे, लिखा है सिंह और नाग की बात है, सिंह को कुचलेगा, नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कितने सारे संकट, कितनी सारी भारी भारी विपत्ति, बड़े बड़े नाम है यहां पर, माया जाल शैतान का फैला हुआ है। लिखा है कि इन सब में मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, जो भी है उसको रहने दो उसके स्थान पर। आपके अंदर आप प्रभु का वचन है तो आप विजय होंगे इन बातों पर, पर सबसे पहले अपने भय पर विजय पाए प्यारो, ताकि आप दूसरों को भी स्थिर कर सको। अगर आपको खुद को अपनी सुरक्षा के बारे में सिक्योरिटी नहीं है, आपको तसल्ली नहीं है, तो आप दूसरों को कैसे हिम्मत दे पाओगे प्यारो? हमें वचन से बल और हिम्मत मिलती है प्यारो। इन दिनों में आइए प्रण करें, फैसला करें, प्रभु तेरे वचनों में मैं और भी गहराई में जाऊंगा, और भी तेरे वचनों को थामे रहूंगा प्यारो। मौत, मृत्यु एक ना एक दिन आनी है। भय हमें महामारी का नहीं है, भय हमें मौत का है। आज नहीं तो कल मौत तो आने वाली ही है। प्रभु यीशु क्या बोलते पता है? यदि कोई अपने आप को बचाएगा तो वो खो देगा, पर लिखा है यदि कोई अपने आप को मेरे लिए खोएगा तो वो बचा लेगा। इस पृथ्वी पर हम कैसे है पता है? इब्रानियों में ऐसा लिखा है कि वो परदेसी है, बाहरी है, वी आर स्ट्रेंजर एंड पिलग्रिम। हम लोग परदेसी हैं प्यार, हमें ये याद रखना है। हमारा देश ये संसार नहीं है। हम ऐसे जी रहे जैसे यहीं पर हमें तो 1000 साल ने सब कुछ, बस अनंत जीवन यहीं गुजार लेना है हमें। हम तो ऐसे जी रहे। प्रभु हमारी आंखों को खोले प्यारो, कि हमें, हमारा देश यह नहीं है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। हालेलुया। हमें वहां जाना है। सियोन देश हमारा देश है प्यारो। मन यहां नहीं लगाना है, हमारा मन वहां रहना चाहिए। पौलुस इसीलिए बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। एक और जगह पर पौलुस इस प्रकार बोलता है, मुझ अभागे मनुष्य को इस मौत के, मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? वो चाहता है कि
जल्द से जल्द मसीह को जाके मिलूं, उसके साथ एक हो जाऊं मैं। प्यारो, अगर आपका मन यहां पर है, आपका मन यहां लगा हुआ है, तो जरूर आपको डर लग सकता है, पर अगर आपका मन वहां पर लगा हुआ है, आपको इस संसार में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस डर पर जय पाए। प्यारो, मौत तो आनी है एक न एक दिन, पर इससे कितना भागेंगे। एक महामारी है वो जाएगी, बाइबल में लिखा है महामारी यहां आएगी, तब कहां भागेंगे। बहुत कुछ अभी होना बाकी है प्यारो, जो संसार खत्म होता जा रहा है ना, उसकी ये निशानियां हैं। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति मरने के कगार पर हो, क्या होता है, उसके उसके शरीर के लक्षण बदलने लगते हैं, कम उसके पैदल का बल, पांव का बल कम हो जाता है, खड़ा होने में मुश्किल, बहुत कुछ। और सब एक समय आता है कि वो चल फिर भी नहीं सकता है, और एक समय आता है कि वो मर जाता है। ये संसार इस दशा में जा रहा है, और इसलिए ये सब सिम्टम्स है, ये महामारी आना नहीं, ये सब ये सिम्टम्स है। क्रोध आना, कोप आना बाकी है, कोप अलग है, कोप अलग है। प्रभु अपना कोप उस विपत्ति काल में जारी करने वाला है, वो बहुत भयानक समय है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पर मूल बात यहां पर है कि हम इस संसार में, इस पृथ्वी पर परदेशी है। अब्राहम ने भी यही बात बोली, यही विश्वास किया था कि यहां पर नहीं, वो ऐसे नगर की बाट जोने वाला था जो इसका जिसकी नींव स्थिर है, जिसकी नींव स्थिर की गई है। क्या आप किस देश की बाट देख रहे हैं? आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है क्या? आपका ध्यान कहीं और रहता है हमेशा? आपका 24 घंटों में से जो समय आप बैठते हो फ्री में, कहाँ कहाँ मन लगाते हो? अपने आप को तैयार करें। इन 7 कलीसिया को जो पत्र में प्रभु ने ताड़ना की है, जो बातें कमजोरियां बताए, उसकी और गौर करें। आइए हम प्रार्थना करते अपने आप को प्रभु के पास सम्मुख ले जाते हैं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बल दे आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। ये वचन के द्वारा प्रभु ऐसा होने दे कि हम और भी प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे, और संसार की हर एक बातों पर, बुरी बातों पर, भय पर हम जय पाए, हम जय पाए अपने आप पर। सबसे बड़ा शत्रु हम शैतान को मानते हैं, पर शैतान नहीं, सबसे बड़ा शत्रु हम ही हमारे हैं, क्योंकि हम ही है जो प्रभु की इच्छा को पूरी करने में अपने कदमों को पीछे ले जा रहे हैं, हम ही है जो अच्छा करने में पीछे रह रहे हैं, हम ही है जो वचन पढ़ने में अपने आप को पीछे रख, हम ही है, हमारी देह ही है जो जो बहुत सारी अच्छी बातें कर सकती है प्रभु के लिए, पर करने में पीछे कदम ले लेती है। हम बखूबी अपने आप को पहचानते हैं कि हम कौन है, कितने सारे फैसले किए होंगे, पर मुश्किल से एक या दो फैसले शायद हमने उस पर अटल रहे होंगे। आइए प्यारो, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं, इन अंतिम दिनों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्यारो, प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने वाले प्रभु, हमारे जीवन के विश्वास की दौड़ को शुरू कराने वाले और उसको पूरी कराने वाले परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते, हम कबूल करते प्रभु। जब आज हमने ये बातें सुनी है, बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर नजर आती है, हम देख पाते परमेश्वर की बहुत कुछ अभी बाकी है जो हमने किया नहीं है। यूं ही हम बहुत सारी अच्छाइयों पर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पर बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए प्रभु तू फरियाद करता है। परमेश्वर, तेरा आत्मा दुखी है, परमेश्वर तेरा दिल दुखी है। परमेश्वर प्रभु, हम क्षमा मांगते, हमारे पास क्या है परमेश्वर कि हम तुझे चढ़ाए, हम माफी चाहते परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे आगे जो तू चाहता है वो प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं। एक नमक और उजाला तूने हमें बनाया, पर परमेश्वर हमने वो भी, उस भूमिका को भी अदा नहीं किया है। परमेश्वर हम क्षमा मांगते परमेश्वर, हमारे उठने बैठने सब कुछ तू जांचता है प्रभु, बहुत सारी बातों में हम अधूरे मालूम पड़े परमेश्वर। उस कलीसिया को जैसा तूने बोला कि तू जीवित तो है पर तू मरा हुआ है, परमेश्वर हमें क्षमा करे परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारी बातों पर, हमारी भलाई और हमारे अचीवमेंट्स पर हमने गर्व किया परमेश्वर, हमें लगा कि सब अच्छा ही है हमारे लिए, पर प्रभु बहुत कुछ है जो अभी बाकी है हमारे जीवनों में, अकॉम्प्लिश करना बाकी है, होना बाकी है प्रभु।
हमें सहायता कर प्रभु इन दिनों में कि प्रभु हम अपने आप को और भी गहराई से जांचे, सुपरफिशियल एक ऊपरी जांच न करे पर एक अंदरूनी जांच हम करें, हमारे अंदर भीतर अपने आप को अलग रखे और सोचे परमेश्वर कि प्रभु हम तेरी नजरों में कहां पर हैं। हाँ प्रभु तूने हमें उद्धार दिया, बचाया, आशीष दी, सब कुछ दिया है, चट्टान पर खड़ा किया, सब आशीषें दी, बहुत कुछ किया है, पर बहुत कुछ है जो तू हमसे अपेक्षा कर रहा है, जो अभी भी अधूरा रहा है। पिता हम क्षमा मांगते, पिता आपका वचन कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और जागरूक रहो कि वो दिन तुम पर अचानक आना पड़े। प्रभु हमने प्रार्थना में लगे रहना छोड़ा है, प्रार्थना में लागू रहना, तेरे मुख को खोजना हमने छोड़ दिया है, वचन को पढ़ना हमें एक सामान्य बात लगने लगी है। हाँ पढ़ते हैं, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, प्रभु हमें वो गंभीरता हमने छोड़ दी है। पिता हमें क्षमा करे प्रभु, हमें माफी दे परमेश्वर, कहीं भी हमारे अंदर कमजोरी है प्रभु, प्रभु तू जाहिर कर प्रभु, जो लोग सुन रहे प्रभु, तेरे बेटे बेटियां जो कलीसियां सुन रही है प्रभु, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमारी कमजोरियों को जाहिर कर ताकि हम जय पाए परमेश्वर कलीसिया के लिए। प्रकाशित वाक्य में अंतिम समय में यही मूल बात है कि हर एक कलीसिया जय पाए अपनी हर एक कमजोरी पर, हर एक अधूरेपन पर, प्रभु कलीसिया को जय पाती हुई देखना चाहते हैं। प्रभु तू हमें मदद कर प्रभु कि हम जय पाने वाले बने, ताकि हमें जो मुकुट जो प्रतिफल मिलने वाला है उसको हम गंवा न दे परमेश्वर। प्रभु हमारा पद हमारा स्थान जो तूने रखा है उसको हम गंवा न बैठे परमेश्वर, उद्धार तो दे दिया है परमेश्वर, पर प्रभु हमें उस मुकाम की ओर दौड़ना है जहां पर तू हमें प्रतिफल देने वाला है परमेश्वर। उस विश्वास की दौड़ में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा तू हमें और भी सामर्थ्य से भर प्रभु। इन दिनों में जितने भी लोग अपने घरों में अपने आप को बंद किए हुए हैं परमेश्वर, जो लोग डर के मारे प्रभु प्रभु कांप रहे हैं परमेश्वर, बहुत सारे फैसले में अधूरे हैं प्रभु, बहुत सारी बातों में आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु, हम आज प्रार्थना करते उस भय की आत्मा को हम तोड़ते यीशु के नाम में। प्रभु तू वो परमेश्वर है जो बहेलिए के जाल से छुड़ाता है, तू वो परमेश्वर है जो महारोग से महामारियों से बचाता है परमेश्वर, तू अपने बच्चों की सुरक्षा करना बखूबी जानता है परमेश्वर। हाँ प्रभु तू अपनी पंखों की आड़ में छुपा लेना जानता है, तुझे कोई सम्मति तुझे कोई सलाह नहीं दे सकता है, तू अच्छे से जानता है कि तेरे बच्चों को कैसे छुड़ाना है। हाँ परमेश्वर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारा दर्शकों में से कोई बीमार है, कोई भय में पड़ा हुआ है, कोई चिंता में पड़ा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम में सारे भय चिंता के वो सारे बंधन, बीमारियों के सारे बंधन उनके जीवनों में से दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु हम जय को जाहिर करते हैं इस पाम संडे के दिन परमेश्वर, आज विजयवंत राजा जिसने प्रवेश किया है हमारे दिलों में, उस विजयवंत राजा के विजय को हम यीशु के नाम में इस परिस्थिति में घोषित करते हैं। हाँ परमेश्वर पौलुस बोलता है इस प्रकार हम बोलते हैं कि इस संसार का ऐसा क्या है जो हमें तेरे प्रेम से अलग कर सके, ना विपत्ति ना दरिद्रता ना तंगाई ना इस काल का ना आने वाले काल का, ना ऐसी कोई भी चीज, ना वर्तमान का ना भविष्य काल का, ना दूत, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें तेरे प्रेम से अलग कर सके। प्रभु हमें तेरे प्रेम में बने रहने का अनुग्रह दे, ये अंत के समय में हमें और भी तैयार रहने वाले लोगों की समान तू बना प्रभु, हम तैयार रहे प्रभु, हमारी तैयारी क्या है प्रभु हम जांचे परमेश्वर अपने आप को, हमें और भी पवित्रता की ओर आप आगे बढ़ाइए। आपकी इच्छा हमारी कलीसियाओं के द्वारा सुनने वाले जितने भी दर्शक है परमेश्वर, जो लोग आज प्रभु का वचन अपने घरों में बैठकर प्रभु इस प्रभु सर्विस में शामिल हुए हैं, वर्शिप सर्विस में, उनके जीवनों में परिपूर्ण हो, उनके जीवनों के द्वारा परिपूर्ण हो। यीशु के लहू में हर एक को हम छुपाते हैं जो प्रभु तेरे बेटे बेटियां विश्वासी लोग इन दिनों घरों में क्वारंटाइन पोजिशन में है प्रभु, जो लोग इन समय में लॉकडाउन पोजिशन में, प्रभु यीशु का लहू उन पर लाते हैं, सुरक्षा का दायरा हम जाहिर करते हैं। प्रभु तेरा वचन साफ कहता है कि विपत्ति महारोग तेरे पास ना आएगा, तेरे डेरे के पास ना आएगा। हाँ प्रभु क्योंकि तू हमारा रखवाला है, तू हमारी ढाल है,
तू हमारा कवच है, तू हमारी झीलम है प्रभु। हम क्लेम करते हैं प्रभु तेरे प्रोटेक्शन को इन खास दिनों में परमेश्वर। हम कलीसिया के लिए, कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए और हर एक वृद्ध लोगों के लिए प्रभु हम सुरक्षा क्लेम करते हैं प्रभु, तेरी सुरक्षा को क्लेम करते पिता प्रभु। शांति की घोषणा करते हैं उनके जीवन में, सारा भय और चिंता इस महामारी को लेकर दूर हो जाए प्रभु यीशु। आपकी शांति को हम जाहिर करते यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम से हम जाहिर करते हालेलुया प्रभु। हम धन्यवाद करते आज आपने यह अनुग्रह दिया कि प्रभु हम आपके चरणों में बैठ सके, आपकी बातों को सुन सके, समझ सके। और प्रभु आपने हमें यह अगुवाई किया परमेश्वर आज की, हमें जय पाना है, हमें हम विजयवंत है ही। आज के इस विजयवंत प्रवेश के समय में हम विजय की उस संदेश को लेकर आगे बढ़े परमेश्वर। हम हार के संदेश को लेकर इस संसार में जाना नहीं चाहते, हम विजय के संदेश को लेकर जाना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि संसार देखे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के अलग किए हुए लोग हैं। हम संसार के साथ दोषी ठहराए हुए लोग नहीं है, पर हम परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं जिनको परमेश्वर ने निर्दोष ठहराया है। हाँ प्रभु, हम आपके हाथों में हमारे जीवनों को, आने वाले कल को, हमारे भविष्य को, हर एक समय को हम सौंपते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थना आप सुने, अंगीकार करें, कबूल करें यीशु के नाम में, आमीन। आइए साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। आकाश में हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, क्षमा आकाश में पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी था, दिवस नहीं हमारी रोटी आज हमने आपो, क्षम हमें हमारा अपराधियों ने क्षमा कर हम तमें हमारा अपराध हमने क्षमा करो, राज्य था पराक्रम तथा महिमा सर्वकाल सदी तुम्हारा है। उस महान पिता परमेश्वर का असीम गहरा प्रेम, उसकी सुरक्षा, यीशु मसीह का अनुग्रह, फेवर और पवित्र आत्मा का साथ, सहभागिता, सामर्थ और दिलासा, सांत्वना हर एक विश्वासियों के सदा से लेकर हमेशा तक बना रहे, आमीन। महिमा।